मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। एमपी में 526 बाघ हैं, जबकि प्रदेश में अवैध शिकार के कारण सबसे ज्यादा बाघों के मरने और पिछले 7 सालों में बाघों की मौत के बावजूद मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। वहीं सीएम कमलनाथ ने कहा है कि आने वाले दिनों में बाघों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश फिर बना टाइगर स्टेट। 526 बाघों के साथ बना देश में एमपी नंबर 1। एमपी के शेरों की दहाड़ पूरे देश में गूंजी। सीएम कमलनाथ बोले, एमपी की शान है टाइगर। मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। उसने अपना खोया दर्जा हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ देश में नंबर 1 हो गया है। कर्नाटक 524 टाइगर के साथ दूसरे स्थान पर और उत्तराखंड 442 टाइगर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में बाघों को लेकर कराई गई गणना से जुड़ी रिपोर्ट को जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 9 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में तय किया गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी की जाएगी, लेकिन हमने ये टारगेट 4 साल में ही पूरा कर दिया है। प्रदेश की इस उपलब्धि को लेकर वन मंत्री उमंग सिंघार ने पूरे विभाग को इसकी सफलता का श्रेय दिया। और जो जमीनी अमला है, जंगल में काम करता है, चाहे वन रक्षक हो, डिप्टी रेंजर हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे अधिकारी हो, सभी ने पूरे सहयोग किया और सभी के कारण ये मेहनत रंग लाई। और चूंकि हम आधुनिक तकनीक जो कैमरा ट्रेप वगैरह से कर रहे हैं, तो गए बार चूंकि उस कारण नहीं कर पाए थे, इस बार रहा। और आने वाले समय भी संख्या बढ़ेगी। मैं इस साल भी आपको पहले ही एडवांस में कहना चाहता हूँ, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूंकि सबका सहयोग था और पूरे अमले का विभाग का पूरा सहयोग रहा, इसके लिए अलर्ट रहे, टाइगर को कैसे प्रकार से कंजर्वेशन करें, तो इस कारण ही हुआ। संयोग देखिए कि मध्य प्रदेश को साल 1991 में फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया था और इस खिताब से मध्य प्रदेश को तत्कालीन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कमलनाथ ने नवाजा था। तब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। कमलनाथ अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर एमपी को ये दर्जा मिला, जिसे लेकर कमलनाथ ने कहा कि टाइगर मध्य प्रदेश की आन बान शान है। हम और मजबूती से टाइगर की आबादी बढ़ाएंगे। टाइगर तो मध्य प्रदेश की आन है, की शान है, और ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश अपने देश में एक ऐसा देश है जहाँ हमारी इतनी बायोडाइवर्सिटी है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम और मजबूती से हमारे जो कार्यक्रम है टाइगर्स की आबादी बढ़ाने का, इसमें हम जुटे रहे। एमपी 2006 से पहले टाइगर स्टेट कहलाता था। यहाँ देश में सबसे ज्यादा टाइगर थे। बाद में इस स्थान पर कर्नाटक आ गया, लेकिन अब भी टाइगर एमपी की पहचान बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।